बाकी इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अच्छा हुआ कि हमने वीआईपी एंट्री कर ली। लेस्टर ने सही बोला था कि उस तरीके से एंट्री हो तो जाएगी बट बहुत कम चांसेस है, टाइम पर जाना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस यार बातों बातों के चक्कर में ना वो लोग तो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आगे चले गए, लेकिन मैं इधर ही रह गया फोटो खिंचवाने में और नजारे देखने में। वैसे यार सच्ची में काफी सारे बंदे आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सबने एकदम फेस में मास्क लगा रखा है, बहुत तगड़ा हैलोवीन का, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब कि इस टाइप का फेस्टिवल यार मैं भी पहली बार देख रहा हूं। तो अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। बाकी अपने साथ ये जो बंदा है ना, मतलब जो डायमंड कैसीनो वाला स्टाफ मेंबर है, तो अपने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि ये अपनी एंट्री करवाएगा, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हमें गाड़ी एकदम तमीज में चलानी है और चारों तरफ यहां पर ना फोटोग्राफर्स भरे हुए हैं हमारी फोटो खींचने के लिए। वैसे जाना कहां पर है, वीआईपी गेट तो यही वाला था ना। ओके, तो शायद से कोई और वीआईपी गेट है, तो यहां पर ये बता रहा है कि हमें लेफ्ट जाना। तो अभी जल्दी से यहां पर अपनी गाड़ी लेफ्ट मुड़ते हैं और भी फटाफट से यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी अंदर एंटर करवानी है। उन लोगों ने तो करवा ली, हम लोग बाहर ही रह गए थे। तो अभी जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा इसे अंदर। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर की वजह से हमारी यहाँ पर वीआईपी एंट्री हो गई है। तो अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। बाकी अभी ना थोड़ी बहुत देर हम लोग सेलिब्रिटीज के साथ ही रहने वाले हैं, मतलब उनको नहीं दिखेंगे, उनके पीछे पीछे रहेंगे, ताकि यहाँ के जो इनके बॉडीगार्ड वगैरह ना उनको लगे कि। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर अपनी एंट्री हो गई है काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से। बाकी यार ये लोग भी अपना यहाँ पर उतर गए, और अंदर कब जाओगे भाई, यहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर पार्क करते हैं जल्दी से, क्योंकि पार्किंग बहुत ज्यादा बढ़िया है और चारों तरफ महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है। वो देखो लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो और बहुत सही सी गाड़ियां इधर खड़ी हुई है। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये लोग तो अपने अंदर के लिए निकल रहे हैं। बाकी यार अभी तक मैं गाड़ी से इसलिए नहीं उतरा हूं क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि यार थोड़ी बहुत यहां पर बॉडीगार्ड होंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग तो पूरी की पूरी बॉडीगार्ड की बारात अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो अभी फटाफट से ना गाइस हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं। एक बार हम लोग पेंट हाउस में पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग सीधा लेसर से कॉल कर आगे का प्लान पूछेंगे। बाकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी मुझे नहीं मालूम था। बाकी अपने साथ साथ ये तीन दोनों तो आ ही रहे हैं, बाकी भी वो भी आएगा अपने साथ जो कि डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर वो लोग तो अपना लिफ्ट से ऊपर जा चुके हैं, बाकी जो डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है ये भी आ गया। इसने कहा था थोड़ी देर यहीं रुकना, पहले उन लोग को जाने दो, उसके बाद मेरे साथ तुम लोग चलना। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग इसके साथ जल्दी से लिफ्ट में बैठकर ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो पेंट हाउस में पहले भी एक दो बार देख चुका हूँ, बट आज वहाँ पर कुछ ज्यादा सिक्योरिटी होगी। हाँ जी, ओ मेरा सूट फटिया कितनों को मार डाला हम होगी और कुछ ज्यादा स्पेशल होगा, जल्दी से आ जाओ अंदर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम सब लोग लिफ्ट में बैठकर डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर के साथ आ गए हैं सीधा पेंट हाउस में। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि चारों जो बाउंसर है गेट पर खड़े हुए हैं, लोग अंदर चले गए हैं तैयार होने के लिए। आज रात 12 बजे उनका यहाँ पर शो है, तो वो लोग शो के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी जो शो है वो पेंट हाउस में नहीं, वो नीचे डायमंड कैसीनो में होने वाला है, और जब तक वो लोग नहीं जाएंगे नीचे, तब तक हम लोग भी नहीं जाने वाले, उनके साथ ही जाएंगे, ताकि जैसे शो होगा उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे, जिसमें कि मतलब सारे बंदे और सारे बॉडीगार्ड उधर ही बिजी हो जाएंगे। बाकी अभी ना फटाफट से लेस्टर को ना कॉल करके पता कर लेता हूं कि अभी हमें यहां पर क्या करना चाहिए। वैसे जहां तक है अभी तो फिलहाल वेट ही करना चाहिए। बाकी काम करते हैं फटाफट से यहां पर प्राइवेट रूम में जाते हैं, फिर उससे कॉल करेंगे। और एक काम मेरे को और करना है, ये जो बैग है ना मेरे सबसे मेरे को यहीं पर रख देना चाहिए। और इधर देखो भाई पार्टी चल रही है हैलोवीन की, मतलब कि ज्यादा बंदे कॉस्ट्यूम पहनकर आए नहीं है, मुझे लग नहीं रहा था कि कम बंदे आएंगे, वैसे फिर भी आए हैं बहुत सारे। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि पहली बात तो शो 12 बजे नहीं है, शो एंड हो जाएगा, तो तब तक के लिए तुम क्या करो वहीं पर अपना छुपकर बैठे रहो, और ये जो बैग है अपने साथ लेकर मत जाना। लेकिन इसके अंदर ना गाइस लेस्टर ने हमें एक सामान दिया है, वो हमें साथ ही रखना है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है यूटिलिटी रूम में। तो चलो यार थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग ने पिछले 3 घंटे पेंट हाउस में चिल मारा, और मेरे हिसाब से अब जो सेलिब्रिटीज है गाइस वो शो करने जा चुके होंगे, क्योंकि लेस्टर ने कहा था करेक्ट 11 बजे वो निकल जाएंगे। तो 8 बजे हम लोग यहां पर आए थे और गाइस अभी 11 बज चुके हैं, और 1 सेकंड गाइस यहां पर उतरी की बॉडी गार्ड खड़े, वैसे इनसे कोई डरने की बात नहीं है। इस टाइम पर डायमंड कैसीनो का स्टाफ अपने साथ है यार। तो चलो अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने इसको बोल दिया था कि तू अपना यहीं पर बैठे रहियो, और ये जो बैग है ना इसका ध्यान रखियो, क्योंकि जो फेक स्टैचूज हैं दोनों वो इसी के अंदर है। और जो बाकी लेस्टर ने मेरे को एक चीज अपने साथ कैरी करने के लिए कही थी, वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, वो यूटिलिटी रूम में काम आएगी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग एक बार चलकर देखते हैं। ओके, तो चलो भाई सेलिब्रिटीज नीचे जा चुके हैं, एक बार मैं अंदर चलकर चेक कर लेता हूं। वैसे यहीं पर उन लोगों ने कपड़े वपड़े बदले थे। चलो भाई जल्दी से हम लोग भी नीचे निकल लेते हैं सीधा, बाकी तुम दोनों भी आ जाओ जल्दी से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठकर आ चुके हैं सीधा कैसीनो में। तो अभी फटाफट से चलते हैं सामने और जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ में। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा भीड़ है। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने
यहाँ पर नहीं आ पाते। बाकी यार इनका शो भी चल रहा है और काफी सारे बंदे यहाँ पर आप लोग देखो भाई कैसे कैसे फनी फनी कॉस्ट्यूम्स पहन कर आए हुए हैं, और साथ में एक कैप्टन अमेरिका बनकर भी आया हुआ है एक बंदा जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और भाई कैप्टन अमेरिका छोड़ो, पीछे स्पाइडरमैन और आयरन मैन भी है। वाओ भाई इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम कहाँ मिलते हैं भाई पता नहीं, बट जिस शॉप पर हम लोग गए थे यार वहां तो ज्यादा कुछ अच्छा मिला नहीं। बाकी यार इतनी ज्यादा भीड़ होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और यार जिन सेलिब्रिटीज के साथ हम लोग आए हैं वो देखो सामने की तरफ में शो कर रहे हैं, काफी ज्यादा तगड़ा गिटार ले रखा। बाकी शो में इतनी ज्यादा भीड़ है ना, लेकिन यार अभी हमें इस चीज में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। लेस्टर ने जो जो बोला हमें बस वो काम करना है। लेस्टर कह रहा है कि को देखो भाई कॉस्ट्यूम पहन कर आया बंदा पूरे के पूरे मतलब भाव में चला गया यार, वैसे ही डांस भी करने लग गया सेम जैसा कॉस्ट्यूम है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हमें कुछ भी करके यूटिलिटी रूम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। रास्ते से मेरा मतलब यह है कि यूटिलिटी रूम जो है ना गाइस वो यहां से 8th फ्लोर पर है और जो लिफ्ट है वो 6th फ्लोर तक ही जाती है और जो स्टेयर्स हैं उसका कुछ अता पता नहीं है। तो अभी हमें यही नहीं मालूम कि आखिरकार यूटिलिटी जो वहां का एयर वेंट है उसके अंदर हमें BZ गैस स्मोक लगाना है जो कि लेस्टर ने मुझे दिया था। अब उससे क्या होगा, एयर वेंट से ना गाइस पूरे के पूरे कैसीनो में एयर आती है बाहर की और साथ में जो एयर कंडीशनर की हवा होती है वो सारी आती है। तो उसके अंदर हम BZ स्मोक गैस मिला देंगे तो जितने भी बंदे यहाँ के जितने भी बॉडी गार्ड है सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, तो हमें चोरी करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए यूटिलिटी रूम में जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस लेस्टर ने तो कहा था कि तुम्हें सीधा हाई लिमिट के अंदर जाना है और वहां पर जाकर टीम तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा क्योंकि लेस्टर भी कभी डायमंड कैसीनो आया नहीं है। वैसे यार देखो सामने की तरफ में ये तो मैनेजमेंट ऑफिस है जिसके अंदर टाओ चैंग और उसकी मैनेजर है, तो इसलिए मैं वहां पर जाने कोई फायदा नहीं है। ओके तो यहां पर एक हाई लिमिट और है तो इस वाले एक जगह के अंदर चलकर देख देखते हैं यहां पर यूटिलिटी रूम है या फिर नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग डायमंड कैसीनो के स्टाफ यहाँ पर पड़ा हुआ है मतलब उनकी पुरानी यादों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं और वैसे भी मैं यहाँ पर कोई रोकने नहीं वाला क्योंकि इस टाइम पर यार हम भी इधर के VIP मेंबर है। बाकी यार वो देखो सामने की तरफ में स्टेयर्स का साइन बना हुआ है और इधर एक बाउंसर खड़ा हुआ है, बट कोई भी डरने की बात नहीं है, इनको पता है कि हाँ भाई ये लोग VIP है, सेलिब्रिटीज के साथ आए हैं। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, अच्छी बात यही होती है यार मास्क। और जहां तक मुझे लगता है यही सीढ़ियां ऊपर जाने वाली है, अभी चलकर देखते हैं कहां तक जाते हैं, कौन से फ्लोर तक जाते हैं। फिलहाल ये फर्स्ट फ्लोर है और इस तरफ में भी कुछ ऑफिसेस हैं, बट अभी हमें इन ऑफिस में नहीं जाना, अभी जल्दी से चलते हैं। ये आ गया सेकंड फ्लोर, इसी तरीके से हमें जाना है सीधा 8th फ्लोर पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैं भागते भागते पहुंच चुका हूं सीधा 5th फ्लोर पर। बाकी यार इस तरफ में एक सर्विस रूम है बट कोई दिक्कत की बात नहीं और आगे जाने का रास्ता बंद है। एक सेकंड यार आगे एक बारी मैं चलकर देखता हूं आखिरकार सीन क्या है, मुझे लग रहा है आगे की तरफ में गाइस स्टेयर्स है ही नहीं। तो गाइस यार मुझे पता था यार ऐसा ही कुछ होने वाला है, मतलब कि जो यहां की लिफ्ट है ना वो भी 6th फ्लोर तक है और जो यहाँ की स्टेयर्स है वो भी 6th फ्लोर तक है। बट अभी कोई नहीं, जल्दी से हम लोग यहाँ से उतरते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तो गाइस यार मेरे को लग रहा है ना कि यहीं से कोई ना कोई रास्ता होगा जो कि हमें ऊपर ले जाएगा। बाकी ना एक बारी थोड़ा बहुत इधर घूम कर देखते हैं, हो सकता है भाई मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, इधर काफी सारे रूम तो हैं बट अभी ना यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा ये स्टाफ ओनली एरिया, इसके अंदर चलकर देखते हैं। ओके तो यहाँ पर अपने मतलब का कुछ भी नहीं है यार, मुझे वो स्टेयर्स ना गाइस यार अभी ना कुछ भी करके ढूंढनी ढूंढनी है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो यार ये जो होटल है ना यहाँ पर तो काफी सारे बाउंसर इधर उधर घूमे जा रहे हैं और अभी ना गाइस एक बंदा ना इस जगह के अंदर गया, ये देखो यहीं से बाहर निकला। मुझे पता है क्या लग रहा है कि स्टेयर्स ना गाइस यार यहीं पर है। एक सेकंड रुक जाओ, इन लोग को बोल दूंगा मैं होटल में घूमने आया हूं, इधर कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकला हूं। भाई इधर तो कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी हो रखी है भाई। तो चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं पीछे की तरफ में। ओके काफी सारे बॉडीगार्ड है और वो उधर क्या हुआ है, अभी जल्दी से हम लोग अंदर निकल लेते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से भाग कर चलते हैं सीधा 8th फ्लोर यूटिलिटी रूम के लिए। बाकी यार देखो यहां पर दोबारा से 6th फ्लोर आ गया और उस तरफ में स्टेयर्स खत्म हो गई थी लेकिन इस तरफ में है, तो भी जल्दी जल्दी से हमें ऊपर चलना पड़ेगा। बाकी और उत्तरी की सामने की तरफ में गाइस यार एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर रुक गया वरना मैं CCTV फुटेज में आ जाता। अभी जल्दी से पहले तो यार तुम लोग अंदर आ जाओ, यहां पर तो कोई CCTV नहीं है ना। चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग सेफ हैं और इस टाइम पर मैं CCTV से दूर इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि गाइस यार देखो सीधी सी बात है अगर हम लोग CCTV में आ गए और फिर जितने भी बॉडीगार्ड हैं उन सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग यूटिलिटी रूम में गए थे और सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। अभी ना फिलहाल यार यूटिलिटी रूम में तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, बट ये जो कैमरे से मैं डिसेबल कैसे करूंगा। वैसे यार एक सेकंड, कैमरा डिसेबल करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मान लो यार इतने सारे बंदे यहां पर आए हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक बंदे के मैं कपड़े पहन लूं और उसके कपड़े पहनकर मैं इवेंट जो अपना काम करना है वो कराऊं और उसके बाद दोबारा से कपड़े बदल लूं तो फिर सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा। मतलब मैं दोबारा से
बाकी अच्छी बात तो है कि इस बाउंसर ने हमें कुछ नहीं कहा, मतलब यार अभी तक इनको लग रहा है कि हाँ भाई ये सही बंदे हैं। अच्छा हुआ कि हम लोग वापस नीचे आ गए थे, वरना कहा था कि वहां क्या करने के लिए जा रहे हो, बट कोई नहीं अभी जल्दी से हमें यहाँ पर वापस निकलना पड़ेगा और फटाफट से कोई दूसरे कपड़े पहनकर वापस आते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल आगे चलते हैं, लेकिन यार कॉस्ट्यूम हमें मिलेगा कहां से वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, अगर किसी भी बंदे का कॉस्ट्यूम हम लोग चुराने की सोचेंगे तो